Coming another darwaza, as you can see on that beautiful watchtower over there. And we'll get to explore one more thing. Is this one? ये कहते हैं कि चोर दरवाज़ा है, समझ लो हैवी बम्बार्डमेंट हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये ऐसा दरवाज़ा है जो आपको किले के बाहर निकाल देता था उस समय पे। अभी ये बारिश जब हुई थी 2022 में, तो ये दरवाज़ा का काफ़ी सारा मलबा बह गया, इसी कारण इसको खोल दिया गया, उन्होंने ढका हुआ था मोस्टली। सो वी जस्ट गो एंड सी हाउ इट इज़। यहाँ से बाहर आप जा सकते हैं एनी टाइम। सो ये दरवाज़ा ऐसा लॉक होना चाहिए, बट लॉक क्यों नहीं है आई डोंट नो। सो आपको ये बाहर छोड़ देता था। एंड ये सारी जो दीवार दिख रही है 5 किलोमीटर की दीवार है, वो विल गो ईच एंड एवरी इंच ऑफ इट। एंड फर्स्ट विल शो यू एवरीथिंग, लेट्स गो मैन। दिस इज मेटल वॉल सराउंडिंग द होल द किला। अब ये किले के बारे में आपको बता दूँ, ये किला बना था 1857 में, से 2 साल में 1858 तक बन गया था। 1657 में स्टार्ट हुआ था और 1658 में इसका हो गया था 2 साल में पूरा कंप्लीट। एंड जस्ट कतर से एकदम एक वॉच टावर आप उधर देख सकते हैं, ठीक है। और 1659 में अफजल खान ने अटैक किया था इस पर, तो वही अटैक के चक्कर में वाघनक उसको उसके पेट में दे दिया था शिवाजी महाराज ने। तब से उनका प्रताप पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि वाई छत्रपति शिवाजी महाराज। सो रायगढ़ से वो कभी भी, यहाँ से रायगढ़ हार्डली 65 किलोमीटर है, तो वो अपने घोड़े पे आते थे और यहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार रहते थे, तुलजा भवानी की पूजा करते थे। तुलजा भवानी, अष्टभुजा तुलजा भवानी की स्थापना है ऊपर में। एंड देयर इज़ अ हनुमान मंदिर ऑल्सो, एंड देयर इज़ अ स्वयंभू शिवलिंग ऑल्सो। विल शो यू ईच एंड एवरी थिंग ऑफ इट, बट लेट मी जस्ट टेल यू, इसने बस ये 2 साल में पूरा कंस्ट्रक्शन है, जितना भी आप देख रहे हैं ऊपर से सब कुछ। ये काफ़ी छोटा दिखता होगा आपको, बट 2 ईयर्स इट्स रियली नथिंग रियली। तो यहाँ पे जो किलेदार थे उनका नाम था मोहिते। आपको मोहिते की तलवार भी दिखाऊंगा, जिस बंदे ने एक दिन में 600 लोग को मारा है, सिर्फ सिंगल तलवार से, सिंगल आदमी ने 600 लोग को। तो जस्ट शो यू, एंड आप वहाँ भी जाएंगे देखने के लिए, बट पहले चलते हैं किले का घूम लेते हैं टूर, ठीक है। वी हैव टाइम मैन रियली, लेट्स गो मैन। देखिए आप ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन, ये सब तो पत्थर उत्थर नया लगाया हुआ है, पर ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, ब्यूटीफुल। जय भवानी, जय शिवाजी। कंस्ट्रक्शन ऑफ नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, एंड एज यू कैन सी दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। कोई पत्थर नीचे से ऊपर नहीं लेके आया, कोई ज़्यादा लोड नहीं, 2 साल के अंदर बनाना था, तो यहीं के पहाड़ के पत्थर खोदा और यहीं पत्थर भी यूज़ करके ये ब्यूटीफुल स्टेयरकेस बनाया। आई मीन लुक एट इट, द सिमेट्री, द ज्योमेट्री एंड ऑल एवरीथिंग सुपर ब्यूटीफुल रियली। हैव अ लुक, सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। दिस इज अ ओल्ड ट्री वर्सेस इज वेरी ग्रीन। भवानी टेम्पल के रोड पे जाना है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। सो फर्स्ट लेट्स गो एंड विजिट भवानी टेम्पल एंड देन विल गो अपवर्ड। सो जूते निकालते हैं यहीं पे एंड चलते हैं भवानी माता के दर्शन। फिर आगे भी और भी है, दिखाऊंगा बेटा, है ना। Let's go to the Bhavani temple. Jai Bhavani. Yep. Have a look. So, Shivaji Maharaj ki jai ho.
Let's go towards the Bawani temple that is built by Chhatrapati Shivaji Maharaj. It's this very old Bawani temple built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, and same as construction as Raigarh. This is the giving the resemblance of a mosque, as you can see, but inside it there's a mandir, and you can see the small topes carrying it, handheld tope I guess, and ye sab jo equipment hai ye hai todne odne ke liye patthar tar. So you can see the whole construction all around, very beautiful, really handheld hai bhai. Mere se to uthe bhi na ab to ye just try bande hue hain. Look at this. Oh bhai bhai really nice bande hue hain isliye. But look at this beautiful mandir of Tulja Bhavani. Construction same as Raigarh. Aisa lagega ki ye koi mosque hai but andar mein Tulja Bhavani mata hai. So mandir of Tulja Bhavani, look at it, have a look buddy, have a look. So let's go inside and take the darshan and then come back. Okay, as you can see it's quite old and same as Raigarh. So let's go inside, and I guess the phone is not allowed to click some photos, but we'll try. Not allowed. Photographs are not allowed, so I'll give it the privacy. I don't know if you can see it or not, but this is besides the temple on Talwar. That is also Mohite, some subedar of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Kehte hain ki ye Talwar se bhai ne 600 log ko mara hai akele when the invasion happened, and he used to have this talwar. It's all protected, you can't take it out. So darshan has been done and moving out. Chhatrapati Shivaji Maharaj ki video, and abhi se leke 400 saal purane se leke abhi tak puja hoti hai, sab kuch hota hai, andar pandit hai baqaida. So yeah, it's pretty cool. Let's go man. Let's go. Beautiful, beautiful. I'm lucky. That's what I can say. So have to witness all this temple and this beautiful area. After visit of beautiful mandir, as you can see the deep stump also. Now going on the top. I really don't have any idea what's on the top, but let's go and see it. Okay. Let's go. There are many stores around here. You can come and eat, but I wouldn't prefer to eat it. Let's go. As you can see, one more watchtower. One watchtower is there, one's here. We've done the Tulja Bhavani's mandir darshan, and we're going on the top of the Bali Killa. Okay, this is more Hanumanji's mandir. So let's go and take the darshan, really. Okay. Yeah, Hanumanji. This is the biggest Hanuman mandir is. As you can see, the what do you say, the पिगाड़ी की उठ गई मेरी. यहाँ पे आप पर्वत नहीं देख रहे होगे उनके हाथ में, या आपको वो स्पेसिफिक गदा नहीं दिख रही होगी, बट एंड सामने मुख रखा है उन्होंने. सो दिस इज
वेरी रेयर, एंड ये दक्षिणमुखी है, दर्शन तो हम ऐसे ही कर लेंगे, बट हैव अ लुक एट हिम। ओके या आई कैन सी इट, आ जा। आई कैन सी दिस इज वेरी रेयर। सो ये शिवाजी के समय के हैं मूर्ति, थैंक यू। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस दो चीज़ें देख रहे हैं। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय श्री राम। जय हनुमान जी, जय श्री राम। सो मंदिर के बाद ही बालेगिल आता है, एंड लुक एट इट, इतना पुराना है कि जड़े तक निकल गई है, बट अभी भी वैसे का वैसे खड़ा है। बेटर देन एनी कंस्ट्रक्शन वी हैव सीन, 4 साल भी ना चल पाए, इतने महंगी महंगी कंस्ट्रक्शन है आजकल, बट ये 400 साल के ऊपर है एंड जड़े तक निकल चुकी है इसकी, बट स्टिल इट इज़ प्रोमिनेंट, लाइक द लुक एट इट मैन। Have a look, man. This is both the Mahachota Darwaza of the Balekila. Balekila in means small darwaza. Like, agar invasion ho jata hai niche wale kile mein bhi, main kile mein, ye kile mein aake log sharan lete the. And then, agar ye bhi na ho, to jo chhota darwaza bataya maine, usse nikal ke bahar se jaake lock kar dete the and andar mein jaake maarte the. That's called gorilla warfare. Yeah, I can see. Very cold. Have a look. Hey, Shivaji. यहाँ पे एक दरवाजा हुआ करता था और टूटा हुआ है, as you can see. लकड़ी का लॉक डालते हैं ना, दोनों बीच में है, एंड हिंजेस देने के लिए भी जगह है. That's why I know it. So now चलते हैं ऊपर एंड let's explore more and more and more. Have a look. This is Bale Kila. Bale matlab chhota. Shivaji Maharaj ki durdrishti. Log ek kila banate hain aur Maharaj ne do do kile bana ke rakhe hain. That's why he is kings of the kings. Yeah. The murti. Ata. I prefer to go up and explore more. Let's go, man. Came across the head and as you can see, the statue of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj. And yeah, have a look. Yeah. And the cannons and tops everywhere like this. Beautiful. Have a look. And the silver coating, it looks very good. So yeah, we'll go and see it, but at first let's have a look at this Bale Kila. Yeah. And I guess this is some kind of mandir. And this Shankar Bhagwan ji ka mandir hai. That I'll just show you. I don't know. King ka mandir kyunki Nandi ji dikh nahi rahe. But let's explore. यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है, जय विष्णु बाबा, जय विष्णु बाबा। इसलिए ये प्रोमिनेंटली इसको प्रतापगढ़ कहा जाता है, पृथ्वी फोर्ट की एक मोरे नाम का एक मराठा ही था, वो शिवाजी से हाथ नहीं मिला रहा था,
शिवाजी ने उसको डिफीट किया था, एंड डिफीट करने के बाद उन्होंने ये किला अपने हाथ में लिया था। देन ही बिल्ट ऑल द किला एज एन ऑल, एंड दैट्स व्हाई दिस किला हैज मोस्ट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ द अफजल खान ऑल्सो। ही किल्ड अफजल खान, मिस्टर शिवाजी महाराज, एंड या दैट्स थिंग ब्यूटीफुल। स्लो मो बट दिस मूर्ति ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यू सी द डिस्टिंक्ट कलर, इट्स ऑल ब्रॉन्ज मूर्ति की मूर्ति है। मूर्ति का वजन बता दूँ मैं 4.5 टन, मतलब 4,500 किलो की अकेली ये मूर्ति है। आई हैव अ लुक, एंड यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज का ये प्रतापगढ़ किले पे रहना था, यहीं पे वो रहते थे पीछे गणेश मंदिर, एंड ही यूज्ड टू लिव। जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये मूर्ति इंस्टॉल की। इट्स वेरी गुड, रियली आई हैवन सीन सच गुड मूर्ति अराउंड हियर। सो स्मॉल तोपे भी हैं यहाँ पे, यू कैन सी। सो दिस इज वन शिव मंदिर, बट आई डोंट नो वेयर टू गो, सो जस्ट आस्क मी। शिव मंदिर जाना है तो इधर से जा सकते क्या? इधर पीछे से इधर से है ये रास्ता, इधर ही सामने मंदिर, शंकर का मंदिर तिकड़े। अच्छा, अच्छा इधर से नहीं है, पीछे से नहीं है। हाँ, कोकन बाग इधर से है ना? हाँ है। इसको And look at it. केदारेश्वर मंदिर है जो स्वयं रैम्बू मंदिर है, एंड इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट, सो इट्स गोइंग टू द डू। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सब कुछ 350 किले एंड ऑल एवरीथिंग ही हैज डन इट इन 50 इयर्स। 50 इयर्स इनकी लाइफ थी, को कुछ डिजीज हो गया था शायद, तो उनकी समाधि लेना पड़ा उनको। बट 50 इयर्स ऑफ लाइफ में वो चाहे तो ताजमहल ये सब क्यों नहीं बना सकते थे, बट वो सिर्फ काम किए गरीब जनता के राजा, इसलिए उनको जनता का राजा भी बोला जाता है। जितने भी गुणगान बताऊँ मैं कम है भाई, फिर कम है। तो अभी अपन थोड़ा चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। वी आर सम वॉट ऑन द एंड सदर्न साइड ऑफ दिस ब्यूटिफुल फोर्ट द प्रतापगढ़। कितना बड़ा कटहल है भाई, टूटा हुआ है बट कटहल है। यप, जस्ट गोइंग टू द रिवर। Come the southernmost point, and yeah, this is the escape area, the room where if the invasion happened on the palikilo off the top, so you can escape from this room. That's why this is way built by Chhatrapati Shivaji Maharaj to get out of the kila. एंड फिर ऐसी नीचे से जाके आप देख सकते हैं पुराना किला है, सो नीचे से जाके फिर सामने से बंद कर देना दरवाज़ा, एंड सब लोग को लगेगा कि भाई हमने तो किला जीत लिया है ना, बट ना ना ना, वो किला बंद कर देते और बाहर से अटैक कर देते, ठीक है। तो देख सकते हो आप स्मॉल एंट्रेंस मैन, सो यही तो है। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए मैं घूमते रहता हूँ, वेरी गुड थिंग टू नोटिस। एंड देयर इज अ स्वयंभू शिवलिंग आल्सो, सो वी विल गो एंड विजिट दैट, बट लेट्स जस्ट एक्सप्लोर द टॉप व्यू फ्रॉम हियर। हैव अ लुक, ये सब पुराना कंस्ट्रक्शन है, एंड
Have a look at the Sayadri. है ना, प्रॉपर है भाई। आई गेस आई हैव नॉट सीन मच मोर ब्यूटिफुल देन सह्याद्री। रियली दिस वेरी ब्यूटिफुल। सो एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं। अच्छा, गुप्त गुप्त दरवाजा छोड़ देनी थी। वो किला किला तो मैं लेकर आऊँगा कहते थे, बट वो कहते थे कि दुश्मनों को लगना चाहिए कि हम किला जीत चुके हैं, और वो लगने के बाद उनको लगता था या किला जीत गए अब तो कुछ नहीं है, तो वो स्कैटर्ड हो जाते थे दुश्मन लोग। तब छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर से अटैक करते थे उनको। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड रिओस wall, you can see we're walking on a base like this. It's very old construction, as you can see. Man oh man, so chhota jungle hai, it's fine, you can get a proper look of the Sayadri. You can see the drone shots. I don't have a drone, but yeah. So there's one more watch tower over there. वो ऐसे कम से कम चार watch tower है, north, east, west, side, south. So have a look. Ooh, it's looking damn good. There. Have a look, man. So I'll just show you. So keep going. Heading towards one more killa. So let's just go and see how it is. Okay, so let's go. So yeah, here we are. Have a look, baby. Really good. And there's the Swayambhu Shivling. So I'll go and visit it, but let me show you one thing more. Ye ek aur Gupta darwaja, chalo dekhte hain. Ye bahar hi khul raha hai. It's good. Let's go and see it. ये लॉक्ड है, गुड वन है। ओ बस द टेंपल ऑफ छत शिवाजी शिव एंड इट्स अ स्वयंभू दैट इज केम आउट फ्रॉम द जमीन वन खोदाई कर रहे थे यहाँ पे। तो एंड ये जो एरिया है, ये जो आप जानते हैं, देख सकते हैं, ये एरिया दीवाने आम था। यहाँ पे लोग आके चर्चा करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज आते थे तो चर्चा करते थे यहाँ पे बैठ के कि प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे करना है, कैसे जीतना है। तो आप देख सकते हैं पूरा क्या भव्यता रहती होगी पहले यार, हम तो बस देख ही सकते हैं। वेरी गुड, बोले। So let's get Munda inside the temple and let's explore one. Okay, ये सब तो नया बना हुआ है, बट मंदिर के अंदर काफ़ी पुराना मंदिर और शिवलिंग है। So let's get going. दर्शन, आई विल गेट बैक टू यू। लिखा है सन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अफजल खान को मारने गए थे तो चढ़ा के गए थे। कहते हैं कि
ये इच्छा पूर्ति भी है। सो आई एम वेरी लकी टू सी ऑल दिस थिंग्स। कम से कम अगर फ्यूचर में किसी को बताना भी रहे तो बता पाऊंगा मैं कम से कम। वेरी गुड। सो यप, दिस इज यहाँ पे सभा लगती थी, कोर्ट यार्ड, दीवाने आम। एंड हियर वी गो, दर्शन हैज बीन डन एंड आई थिंक आई हैव सीन एवरीथिंग। देयर्स द छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ पे घर था वो है, एंड दिस इज द शिव मंदिर। हैप्पी, लेट्स गो देन। Now we are Keda, this Palikila area, beautiful. You will mostly see the mandirs and all in this area only. So, it's beautiful, every inch of it. So, कुछ नहीं करते हैं, नीचे चलते हैं. And it's already 11. So, yes, अभी नीचे भी जाना है. 12:30 बज जाएंगे. And then you have to catch a bus to Mahad, and then from Mahad to Mangaon. So yep, that's Hanuman Ji's Mandir, and yep, it's all about this Rampur Kila. Beautiful, beautiful. Chhatrapati ke koi bhi ab kile hain, main shayad har kile explore karne ki koshish karunga. Even more. So that's good. Out of this beautiful temple or fort, you can say. For me, it's like temple. So beautiful, huh? So let's get down now. I'll show you the qabr of Afzal Khan also, if possible. Because they bandh rakhte hain saale, kuch kuch log. But let us show them the defeat. Why it's very important, Afzal Khan. Vaknak, man. वागनक की डिस्कवरी वहीं से हुई, एंड वो वागनक अभी यस इंग्लैंड के कोई शोरूम में है, आई डोंट नो। सो लेट्स गेट गोइंग नाउ। ये फाइनली मूविंग आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फोर्ट प्रतापगढ़। धीरे धीरे सबको निपटाते रहेंगे अपन, मतलब विल डू इट, लेट्स गो। एंड चलता हूँ आपको अफजल खान की शहादत दिखाता हूँ, उसको शहादत नहीं क्या बोलेंगे, उसको कूट दिया वो दिखाता हूँ। यप, यू कैन सी द टोम्ब ऑफ, यहाँ पे उसको अफजल खान को उसके बॉडीगार्ड को दफनाया था, यही छत्रपति शिवाजी महाराज मिले थे उसे। एंड कहते हैं कि यही जगह पे उसको दफनाया गया है। सो इट गेट गोइंग एंड विजिट इट मैन। ओके, कंस्ट्रक्शन पता नहीं काहे का हो रहा है, कुछ नहीं। नॉट अलाउड टू सी, देखने देना चाहिए था क्या आया तू, तो पुलिस वाला था, मुझे वरी करके ही मतलब नहीं है, ठीक है। So let's go. Let's go, man. Go. कहते हैं ना कि ज़्यादा भी मेरी लिफ्ट मिस हो गया, चलो कोई नहीं, मैनेज आई डोंट थिंक। नीचे तक जाना है 4 किलोमीटर, नीचे डिसेंट ही है, बट गर्मी थोड़ी सी है अभी। सो विल प्लान के सो टाइम्स, बट क्या गर्मी काफ़ी है। सो आई एम जस्ट वेयरिंग दिस थिंग एंड लेट्स होप कि जल्दी पहुँचूँगा। 4 किलोमीटर डिसेंड करने में ज़्यादा समय लगता है, लाइक नीचे ही तो उतरना है, बट जब चढ़ रहा था ना तब लग रहा था भाई लिटरली अब टेलिंग यू। सो राइट नाउ फन
बस भी दिखी है मेरे को गाते हुए। सो किला मैन ले, अभी पता नहीं कितने किले हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज के, सब देखना है इसको मैं। इसको जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय। बैक एट द एंड है, यहाँ वड़ा नहीं मिलता है, इसको वाड़ा कहते हैं, और कुछ खाते हैं भाई, भूख लगी है, सुबह का फिर कुछ नहीं खाया, पत्ते चाय पिया हूँ, अभी चलते हैं कुछ खाएंगे एंड देन बस पकड़ के निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फिर उनको पहुँचना भी है, ट्रेन भी लिमिटेड है एंड समझ रहे हो ना आप, तो लेट्स गो देन एंड ईट समथिंग। दिस इज ऑल स्टोर्स वाड़ा, इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू दिस दिस किला यू हैव टू बी हियर एट वाड़ा फ्रॉम मालहाड महाड़, ओके आई गेस दैट्स राइट, ओके लेट्स हैव इट मैन। After this long, I'm enjoying a very good food here. This is Rasa Vada, famous in I don't know in this area. So yep, let's just enjoy it and let's just have it, man. Because the Rasi ki katori bhi lag rahi thi. Good. Love it. नींबू गए, नींबू ज़्यादा जाए अच्छे से, गुड। आई जस्ट सीड इट, आई लेट यू नो। चलो भाई साहब, अपनी लाल परी आ चुकी है एंड पकड़ के निकल, ओके। ये है महाबलेश्वर से गोइंग टू महार, भागी 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 दर्शन जय छत्रपति शिवाजी महाराज की एंड होपफुली अगेन मोर ऑफ द किला प्लानिंग टू विजिट नाउ, ओके। आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल टेक बट फॉर लेवल ऑल द 350 किलास, हाँ अभी के लिए ना चल मारता हूँ, सोता हूँ अभी and I'll meet you in Mahar. This is Mahabaleshwar, the hill station, very good. So, milta hoon. Meri is side mein wala nahi hai, the side hill station pad raha hai. Idhar sab patthar pad raha hai. Sorry for that. I tried to show you. Station. Oh, say Adri. Love, say Adri. Heading to and Mahar will get to have for to pune ga man gaon jana hai to man gaon parking this jala utar re sagai jiste kate right man gaon sorry Mahar and from here I'll catch a bus to towards the man gaon मन गाँव आ गया ना, टेंशन नहीं है, यहीं रात बिताई थी मैंने अगर आपको याद हो तो, अभी 24 घंटे भी होने के हैं तो यप मन गाँव के लिए देखते हैं कब बस मिलती है। बट इफ यू वॉन्ट कम टू अगर आप आना चाहते हो फॉर प्रतापगढ़ और रायगढ़ यू हैव टू कम हियर टू महाड़, ब्यूटिफुल छोटा सा बस स्टॉप, लेट्स गो मन गाँव ना। अभी पानी भरा बस, महाड़ से मनगांव जाएगी थाने, मनगांव जाने वाली है, तो लेट्स गो
मानगांव जाएगी ना, मानगांव जाएगी, मानगांव जाएगी ना, चलते हैं मानगांव के लिए, बैठते हैं। 45 रुपीज़ लगने वाले हैं, होगा ये पहले जाएगी। ये नाराज हो पा रहा, नाराज हो पा रहा है मानगांव भाई, मानगांव मानगांव जाते ना। नाउ बस फ्रॉम वहाँ टू मानगांव सेम बस, थॉट कि ये वहाँ तक जाए मानगांव जाते हैं, तो ठीक हो गया। रीच मानगांव एंड वेट फॉर द ट्रेन टू कैच टू थाने। ओके आई गेस इट्स अ विंडी फॉर मी, सो सी व्हाट हैपेंस। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मानगांव, शिफ्ट मानगांव एंड दिस इज माय बस, द एसटी बस। इट डजंट बिट्रे यू ऑल दिस, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर तो मानगांव रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से हमको जो ट्रेन मिलेगी पहली ट्रेन पकड़ के निकलते हैं थाने और पनवेल टू मिल जाए, तो पनवेल से देखते हैं कुछ ट्रेन में मिल जाएगी घर जाने के लिए। सिर्फ अभी तक का खर्चा जो हुआ है टोटल 700 रुपये, तो हमारी मोर कैंपे। ये जो खर्चा हुआ ना 70 रुपीज़ का, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा पड़ गया मेरे को, दैट टू फ्रॉम दैट टू फ्रॉम बदर टू कौन सा जगह है वो नाम भूल गया मैं, फ्रॉम महाड़, महाड़ से जो वाड़ा नाम की जगह थी उसका खर्चा ज़्यादा बैठ गया 70 रुपये, बाकी और कुछ तो हुआ नहीं था। तो लेट्स गो नाउ, निकलते हैं डायरेक्ट, थोड़ा दूर से ही हमारा रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, लेट्स गो।